आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 18 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि मीडिया ट्रायल से केस की जांच प्रभावित होती है। इस केस में कुछ मीडिया समूहों का कवरेज एक तरह से पुलिस की अवमानना है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपनी इन्वेस्टिगेशन गोपनीय रखने का अधिकार है, वे सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है। किसी भी केस का मीडिया ट्रायल मीडिया केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड के मामले में जब तक नई गाइडलाइंस तैयार नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का ही पालन करना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त और जीएस कुलकर्णी की बेंच ने यह निर्देश दिया। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को शीघ्र ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की अनुमति मिल सकती है। कोविशील्ड को 3 जनवरी को भारत में ड्रग रेगुलेटर ने आपात उपयोग के लिए अनुमति दी थी। 16 जनवरी से भारत में आरंभ हुए वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने SII से कोविशील्ड के 1.1 करोड़ डोज की डील की है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आशा कर रहे हैं कि SII रैपिड असेसमेंट के लिए फुल डेटा सेट्स शीघ्र उपलब्ध कराएगा। इसके आधार पर WHO तय करेगा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। पश्चिम बंगाल में शीघ्र होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले हलचल तेज हो गई है। सोमवार को कोलकाता में केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी के रोड शो में कुछ लोगों ने BJP कार्यकर्ताओं पर ईंट और पत्थर फेंके। इन लोगों के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा था। हमले के बाद BJP कार्यकर्ताओं के बीच भगदड़ मच गई। इस रोड शो में पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष दिलीप घोष और हाल ही में BJP में शामिल होने वाले विधायक शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित थे। मौके पर तनाव के बीच भारी सुरक्षा बल तैनात है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साउथ कोलकाता के रास बिहारी एवेन्यू और चारू मार्केट क्षेत्र में BJP का रोड शो निकाला जा रहा था। टॉलीगंज ट्रॉम डिपो से आरंभ हुए रोड शो को रास बिहारी एवेन्यू तक जाना था। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के काफी समीप है। अचानक यहाँ TMC का झंडा थामे हुए कुछ लोगों ने BJP कार्यकर्ताओं पर ईंट और पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। BJP कार्यकर्ताओं ने भी कुछ हमलावरों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट्स सामने आने के बाद अब उनकी मुसीबत बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि अर्णब को 2 वर्ष पहले बालाकोट में किए गए हमले की पहले से ही जानकारी थी। इतनी सेंसिटिव बातें अर्णब को कैसे पता चली, यह बड़ा सवाल है। अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अनिल देशमुख ने कहा कि अर्णब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व CEO पार्थ दास गुप्ता के जो चैट्स वायरल हुए हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। उसमें काफ़ी सेंसिटिव बातों का उल्लेख किया गया है। अनिल देशमुख ने कहा कि दोनों के चैट्स में बालाकोट और पुलवामा के बारे में भी जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हर्ष विजय गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक SDM से अभद्र व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में कांग्रेस के विधायक सरकारी अधिकारी से कहते हैं कि आप हमें कुछ समझती ही नहीं है, हम यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं, मैं जीता हुआ विधायक हूँ मैडम। इस पर महिला एसडीएम कामिनी ठाकुर कहती हैं कि आपके सामने मजिस्ट्रेट हैं। इसके बाद कांग्रेसी विधायक सरयाम धमकी देते हुए कहते हैं कि आप महिला हैं, यदि आप महिला नहीं होती तो कॉलर पकड़कर ज्ञापन देता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना रविवार को रतलाम जिले की है। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के पास रविवार को कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। यह रैली किसानों के समर्थन में आयोजित की गई थी। कृषि बिल के विरुद्ध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस विधायक प्रशासन को ज्ञापन सौंपने गए थे। इस दौरान महिला एसडीएम को बाहर आने में थोड़ी देर हो गई, इसी बात को लेकर विधायक अपनी भड़ास निकाल रहे थे, साथ ही महिला एसडीएम को खरी खोटी सुना रहे थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंकों का अरबों रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के आरोपी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बिंदुओं पर चल रही कानूनी कार्यवाही की वजह से विलंब हो रहा है। न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने इसकी सुनवाई 15 मार्च के लिए स्थगित कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई आरंभ होते ही केंद्र की ओर से तुषार मेहता ने विजय माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की स्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी देवेश उत्तम द्वारा उन्हें लिखा गया पत्र पीठ के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार के सामने माल्या के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया है और केंद्र पूरी गंभीरता से उसे वापस लाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी प्रयासों के बाद भी स्थिति पूर्ववत है और राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर पर बार बार यह मामला उठाया जा रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बालाकोट स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी का आरोप है कि स्ट्राइक से पहले कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से पता था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। पार्टी ने इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जवाब मांगा है कि यह जानकारी सरकार समर्थक पत्रकारों को कैसे मिली। पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इन सभी मुद्दों को शीघ्र ही देशवासियों के समक्ष रखेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि क्या असल स्ट्राइक से 3 दिन पहले एक पत्रकार और उसके दोस्त को बालाकोट शिविर में जवाबी हमले के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि यदि हाँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनके स्रोतों ने पाकिस्तान के साथ काम करने वाले जासूसों या मुखबिरों सहित अन्य लोगों के साथ भी जानकारी साझा नहीं की होगी। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने रक्षा मंत्री को टैग किया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 18 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 19 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey
from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is Inspector, Bank, SSC, Railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Thanks, lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के चार पांच जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उन वीडियो उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज आएंगे वो तुरंत आपने, चूंकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।